एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं धन योगों के बारे में, संपूर्ण कुंडली मिलान के लिए जब हमने बात की थी उसमें हमने यह भी बताया था कि वर और वधु की कुंडली में, कन्या लड़की कुंडली में आपको धन योग को भी देखना चाहिए था। बिना धन के आप अपनी जिंदगी कैसे बसर कर सकते थे। धन योगों को भी देखना बहुत जरूरी है आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो जब कुंडली मिलान की जाती है तो उसमें गुण कुंडली 36 गुण पर ही आप विश्वास नहीं कर सकते, आपको और भी चीज़ें देखना रहती है। उसमें से हमने बताया था कि आपको धन योग भी देखना चाहिए, संतान का सुख देखना चाहिए, संतान भाव भी अच्छा होना चाहिए, फिर राहु चुनने के लिए सातवां भाव अच्छा होना चाहिए। इस तरह से हमने बताया कि गुण मिलान के साथ साथ में संपूर्ण कुंडली मिलान की जाती है, उसमें ये धन योग को भी देखना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति धनी है या नहीं है, उसको जीवन में धन प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। तो इसके लिए जो भी वर वधु हैं या लड़का लड़की है, उनकी कुंडली में आपको देखना है कि जो धन के भाव हैं उनके स्वामी और कारक की स्थिति को जरूर देखिए। तो धन का भाव जो है वो दूसरा भाव धन भाव कहलाता है, उसका स्वामी तथा उसका कारक बृहस्पति होता है। इसकी स्थिति कुंडली में अच्छी होना चाहिए। इसके साथ साथ में लाभ भाव का जो स्वामी, लाभ भाव होता है 11वां भाव, उसका स्वामी होता है तथा उसका कारक जो गुरु होता है। तो लाभ भाव का स्वामी और कारक गुरु, उनकी स्थिति भी कुंडली में अच्छी होना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जो पंचम भाव है और नवम भाव है, पंचम भाव लक्ष्मी भाव कहलाता है और नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। तो जब भी ये पंचम भाव नवम भाव के स्वामी की स्थिति केंद्र में त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ में होती है और उनका दृष्टि संबंध धन भाव के स्वामी या लाभ भाव के स्वामी से होता है तो भी अच्छे धन योग कहलाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण योगों को देखा जाता है। इस तरह से आप केंद्र भाव में आपका कर्म भाव भी आ जाता है। तो कर्म भाव का जो दसवां भाव कहलाता है उसका स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी की युति और उस पर धन भाव या लाभ भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाती है और गुरु का भी अगर संबंध बनता है तो ये भी अच्छा धन योग कहलाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आपके कुंडलियों में धन भाव को देखा जाता है और ये देखना बहुत जरूरी होता है। जब भी आपकी कुंडली में का जब हम व्यावहारिक संबंध के लिए विश्लेषण करते हैं तो धन भाव को भी जरूर देखें और इनका देखना चाहिए। द्वितीय भाव का बताया जैसे हमने और 11वां भाव बताया है, धन भाव लाभ भाव होते हैं, इनके स्वामी जो होते हैं और उसके साथ साथ में गुरु हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये जितनी भी अच्छी स्थिति में होंगे, केंद्र में होंगे, त्रिकोण में होंगे, शुभ गुरु की दृष्टि होगी या द्वितीय भाव का स्वामी 11वां भाव में बैठे, 11वां भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ऐसा राशि परिवर्तन करता है तो ये भी एक अच्छा धन योग कहलाता है। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाते हैं और उससे भाग्य की जो भाग भाव और नवम भाव उसके स्वामी द्वारा दृष्ट होता है, ये भी एक अच्छा धन योग कहलाता है। इस तरह से धन योगों को आप अपने कुंडलियों में देखें और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी संपूर्ण कुंडली मिलान की जाती है तो धन योगों का देखना बहुत जरूरी है। चंद्रमा मंगल भी जो है आपकी कुंडली में अगर वो केंद्र में त्रिकोण में बैठे हैं और धन कारक जो बृहस्पति होता है वो उनसे दृष्टि होता है तो ये भी जातक को धन योग बनाता है कुंडली के अंदर। इसी तरह से भाग्य का स्वामी और शुक्र को जाने से लाभे बृहस्पति के साथ युति करता है या बृहस्पति को देखा तो ये भी एक अच्छा धन योग कहलाता है।
यह हमने एक सरल तरीके से बताने का कोशिश किया कि किस तरह से आप लाभ भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, कोई भी ग्रह हो, जो भी होगा, वो केंद्र में स्थित हो और उस पे बृहस्पति की या द्वितीय भाव के स्वामी की या पंचम एकादश भाव का स्वामी की अगर वो दृष्टि पड़ती है तो ये भी एक अच्छे धन योग कहलाता है। इस तरह से आप सरल तरीके से आप देखिए, जब भी कुंडली मिलान किया जाता है तो आपको और संतान योग के साथ में, वायु सुख के साथ में धन योग को भी देखना जरूरी है। सिर्फ गुण मिलान, जो 36 गुण मिलान है उस पर ही पूरी कुंडली मिलान नहीं होती है, इसे संपूर्ण कुंडली मिलान को महत्व दिया गया है। इसलिए हमारी जो चैनल है थोड़ा सिंप्लीफाइड है, वो इस पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बहुत वीडियो हमने लोड किए, अपलोड किए हुए हैं, जिसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरह से आप कुंडली विश्लेषण करके डिटेल में हमने इसको बताने का प्रयत्न किया। तो आपको इन धन योगों को डिटेल में आप देख सकते हैं हमारे चैनल SRS सिंप्लीफाइड पे, और उसको कुंडली में किस तरह से देखा जाता है वो समझाने का भी उसमें प्रयत्न किया। आपको हमारी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ में हमारे वीडियो को अगर पसंद आ रहा है, जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।